इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद इमरान खान चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे, राजा रियाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने कहा, मैं तहरीक इंसाफ के टिकट से मुंतखब हुआ, अरसा इतराज से ऐलान बगावत करता हूं। 24 अरब रुपए का मुलजिम हमजा शहबाज लंदन फरार करा दिया गया, लेकिन 2 करोड़ रुपए की तहकीकात के लिए FIA की 5 टीमें तरतीब दी गई। साबिक वफाकी वजीर इत्तला'आत रहनुमा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा मुहर्रम के बाद 25 मई के मुलजमान का एहतसाब शुरू होगा। माइनस प्लस का फैसला जमीनी खुदा नहीं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने करना है, शेख रशीद का ट्वीट। हुक्मरान जमातों ने अपने केस सामने रखकर नैब में तरामीम की, जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही पर एतबार नहीं होगा तो इमरान खान इलेक्शन को कैसे मानेगा। लाहौर समेत मुल्क भर के तमाम छोटे बड़े शहरों में आज 9 मुहर्रम-उल-हराम के रोज जुलूस निकाले गए। इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में खुसूसन हसास शहरों और इलाकों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम के तहत पुलिस, रेंजर्स और फौज की नफरी तैनात की गई। ड्रामा है, इंशाल्लाह ड्रामे का हल निकल आएगा। कोई मैंने एक एक चीज़ देखी है और कोई भी गैर कानूनी इस पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर और ये सारे मिले हुए हैं और इन्होंने ये ड्रामा बनाया। ये ड्रामा जल्दी ख़त्म हो जाएगा, फिर एक और ड्रामा निकालेंगे और इनको अपने गरेबान को देखना चाहिए कि इनको मुल्क को जितना लूटा है उसका हिसाब दे, अपना काम को भूल जाए, अपना काम करें। मुल्क लूटने वाले अपनी फिक्र करें, हिसाब देना पड़ेगा। फोन फंडिंग में कुछ नहीं, इमरान खान का दामन साफ है, परवेज खान खट्टर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुक्मरान एक ड्रामे के बाद दूसरा ड्रामा लाकर अवाम को मजीद धोखे में नहीं रख सकते, दौर बदल चुका, अवाम असल और जाली लीडर पहचान चुके। चौधरी लतीफ नजर गुजर का फैसलाबाद में सिरगोदा रोड मोटरवे पर कारकुनान ने पुरतबाक इस्तकबाल किया, इमरान खान जिंदाबाद के नारे। चौधरी लतीफ नजर गुजर ने कारकुनान और कप्तान के एहतमाद का शुक्रिया अदा किया। सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के हमराह सूबाई वजीर मातियात लतीफ नजर गुजर अपने डेरे पर पहुंचे, हल्का की आवाम ने फूलों के हार और गुलदस्ते पेश किए। मैं अल्लाह का भी शुक्र अदा करता हूँ अपनी क़यादत का, इमरान खान साहब का खुसूसी तौर पे जिन्होंने मुझ पर एतबार किया और मुझे ये वज़ारत का कर्मदान सौंपा, और इंशाल्लाह ताला मैं अपनी क़यादत के कोशिश करूँगा कि उनके एतबार पे पूरा हो। मकबूजा कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को ख़त्म करने के 3 साल पूरे होने पर 5 अगस्त पर पूरे इंग्लिस्तान में बसने वाले कश्मीरी और पाकिस्तानी आवाम ने उसके खिलाफ भरपूर एहतजाज किया, भारतीय मुजालिम के खिलाफ हर सतह पर आवाज उठाई। इसी सिलसिला में IBPC ने भी एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करवाया, जिसमें खास तौर पर सीमटेरी इमरान हुसैन, राजा नजात हुसैन और कसीर तादाद में कश्मीरी और पाकिस्तानी आवाम ने शिरकत की। कश्मीर की आज़ादी के हवाले से यूनाइटेड नेशन की करारदादें हैं, 75 साल तारीख है और मैं समझता हूँ कि अब ये मौका है कि मोदी के मजाले से कश्मीर को छुड़ाना होगा, और वो वक्त दूर नहीं कि जब अगर हम सही तरीके से जद्दोजहद करें और सिंसियरली एफर्ट करें तो कश्मीर को हम जो है वो आज़ाद ना करवा सकें। मैं सोचता हूँ कि ये जो बुरहान वानी थे हमारे, उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की है और बड़ी अच्छी जगह पर ले गए थे, उन्होंने बहुत कोशिशें की हैं। जब से उनको शहीद किया गया उसके बाद कर्फ्यू लगा हुआ है। समझता हूँ कि दुनिया को जागना चाहिए कि कश्मीर में बहुत ज्यादा अरसे तक जुल्म बर्बरियत नहीं चल सकता। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर दैट द रेवोकेशन, द इलीगल रेवोकेशन ऑफ 370 एंड 35A was a deliberate attempt by the right wing Modi government to quash the Kashmiri struggle. जैसे कि आप समझते हैं आज सब जो है कश्मीरियों के साथ हक़ खुद इरादी जो उनकी है उसके लिए भी यहाँ पे जमा हुए हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कोई जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है और यू नो इस ओवर 6 decades जो है कश्मीरी अपने राइट के लिए लड़ रहे हैं, और मैं समझता हूँ ये वक्त है कि आज उनको उनका हक़ खुदात मिलना चाहिए। आज बरतानिया के सबसे बड़े मरकज लंदन में योम इस्तेसाल कश्मीर के हवाले से ये चौथा बड़ा इवेंट है, और जिसमें बरतानवी मेंबरान पार्लियामेंट ने हमें यकीन दिलाया है
कि भारत की तरफ से उठाए गए गैर कानूनी इकदाम और गैर आइनी हथकंडों को ना सिर्फ बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर, आवाम के अंदर, आलमी सतह पर हम तमाम कश्मीरी और पाकिस्तानी मिलकर उजागर करेंगे। फैसलाबाद मुहर्रम उल हराम के जुलूस व मजालिस के लिए इंतजाम मुकम्मल। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद कैसर अब्बास रिंद की MM5 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। बाकी भी जो अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं उनसे ड्यूटी चोटी लगी हैं, वो सारे इन फील्ड हैं, तो कंट्रोल रूम भी फंक्शनल है। बाकी जहाँ तक बात है CCTVs की जो भी इंस्टॉल हो गई हैं, इसके अलावा जो भी सिक्योरिटी और अदर एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं वो लिए जा चुके हैं, तो मुहर्रम उल हराम इंशाल्लाह अल्लाह के करम से बिल्कुल हमारा बहुत पीसफुल गुजरेगा। और क्योंकि इसके ऊपर हमारा जो टीम वर्क है तमाम डिपार्टमेंट्स का बहुत ज़बरदस्त है, हमारे उलमा हज़रात हैं। मुल्क भर की तरह अहमदपुर सयाल में भी मुहर्रम उल हराम नहायत मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मजालिस और जुलूस के साथ साथ शहदाए करबला की याद में शबियात तैयार करके वाकई करबला की याद को ताज़ा किया जा रहा है। जगह जगह सभी ने भी लगाई है। रावलपिंडी में मुहर्रम उल हराम के हवाले से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। SSP इन्वेस्टिगेशन गजम्फर शाह रावलपिंडी कमालाबाद की जुलूस की सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से MM5 न्यूज को तफसीली ब्रेफ दी। अशराए मुहर्रम उल हराम जिस तरह से पूरे एक मजहबी जो है वो जोश के साथ और जिस तरह से मनाते हैं हमारे लोग, आज वो अपने बिल्कुल पीक के करीब है। ये बड़ा ही अहम जुलूस है जो कि 8वीं मुहर्रम को इमाम बारगाह कसर ज़ैनब से है, वहाँ पे से निकलता है और फिर जो है वो 72 ताज़िए इसके अंदर मौजूद होते हैं, तो बड़ा ही अहम जुलूस है। इसमें जो है वो तमाम जो मुंतज़मीन हैं, जो बानी हैं, जो लसंसदार हैं, उन सब के तौर उनका हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने इंतजाम को बड़े अच्छे तरीके से जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया है। उसके अलावा जो है ख़ास तौर पर जो हमारी मरकज़ी ज़िली अमन कमेटी है, मौलाना रिजवी साहब, बुखारी साहब, क्रिकेट जितने हमारे जो है वो मोहतरम मेमरान हैं, वो तमाम के तमाम जो हैं वो हमारे बिल्कुल शाना बशाना हैं। आवाज़ दो हम एक हैं, हमारे जख्म एक हैं। बिजली, टैक्स, लोड शेडिंग, 15वीं तरामीम, टूरिज्म एक्ट, मुकदमा, गिरफ्तारियों के खिलाफ, मुफ्त बिजली के लिए, आटे की सब्सिडी की बहाली के लिए आज पूरे आज़ाद कश्मीर में हड़ताल, लोग सरापाए एहतजाज। जो 15वीं तरमीम है इसमें बाहर से कुछ नहीं है, अपने अंदर से गद्दार शामिल हैं। कश्मीरियों का सौदा कोई टेबल पे नहीं होगा, कश्मीरियों का सौदा कश्मीर के गयूर आवाम करेंगे। उनका लोड शेडिंग है वो उसका बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा बिल आए जो महकमा बरकियात का एक बहुत बड़ा जुल्म है। बालिया माह में जायद बिलों की सूरत में टैक्स वसूल किए गए हैं, उसके खिलाफ सरापा एहतजाज होना था। उसके अलावा जो खुद साख्ता महंगाई हो रही है और देहातों में हमें जो आटा दस्तियाब नहीं है, और तीसरी और अहम बात जो थी वो ये थी कि रियासत जम्मू कश्मीर की खसूसियत को ख़त्म करने के लिए जो एक 26 सफात पर मसौदा तैयार किया गया है, हम उसके खिलाफ आज सरापा एहतजाज हैं। हम ना झुके हैं ना बिके हैं, हमें उन सफ़ों में तलाश करो जो माज़ पर डटी हैं। तो भारत के लिए भी ये पैगाम है कि ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक बाकी ना रहेगी दास्तानों में। 7 और 8 मुहर्रम उल हराम की शब, मुहर्रम उल हराम का मातमी जलूस इमाम बारगाह दर बतूल अतापसूरियाँ से निकाला, जो अपने रवायती रास्तों से होता हुआ मरकजी इमाम बारगाह में पहुँच कर इख्तिताम पज़ीर हुआ। जुलूस के रास्तों में दूध और मीठे पानी की सबीले लगाई गई। इस मौके पर सियालकोट पुलिस ने सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए। मेन गेट के पास खड़ा हूँ, माशाल्लाह सिक्योरिटी का गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है, बहुत ही अच्छा, और बड़ा जो हमारी फोर्स है बड़ी बहुत अच्छी तरह ड्यूटी कर रही है। तो जुलूस जो है वो जुलूस के साथ साथ चल रहे हैं, जुलूस अपने मरकजी रोड पर है, अभी थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह ताला ये इख्तिताम पज़ीर।